कट गए दियर पेमेंट योर पेमेंट इज सक्सेसफुल ऐसे काम हम लोग क्या थी लिख दिया सेल लिख दिया आई आ गया 1,440 का सेल है बस कट पेमेंट में यही होता है साला फंस जाता है कार्ड पेमेंट किए 151 डलवाएं अमाउंट कट गया मेरा और उसके मशीन में पहुंचा ही नहीं। अब बताइए मेरा पैसा वापस कैसे आएगा बताइए। यहाँ पे शो कर दिया कि पैसा आपका कट गया और वहाँ शो कर रहा है कि आपका पैसा कट भी नहीं गया। फिलहाल छोड़िए। हेलो गाइज वेलकम बैक टू चैनल फिर से आपका दोस्त अतुल आपके साथ और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एक भाई का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि डबल डेकर पुल का अपडेट दीजिए जो अशोक राजपथ में बन रहा है। तो फिलहाल अशोक राजपथ में है और आज आपको अपडेट देंगे भाई साहब, सुन लीजिए आप ही को बोल रहा हूँ। आज अपडेट देंगे डबल डेकर फ्लाईओवर का, तो ध्यान से सुनिएगा। आप वीडियो एंड तक देखिएगा। जो भी भाई डिमांड कर रहे थे डबल डेकर फ्लाईओवर का, सबको बता दिया अशोक राजपथ से घुसिएगा तो आपको कोई काम नहीं दिखेगा डबल डेकर का। पहले ही बता दे रहे हैं अशोक राजपथ से हम घुसे, अभी देखिए गांधी मैदान से घुसे, कारगिल चौक से घुसे, आपको आपको कोई काम नहीं दिखेगा डबल डेकर का। सब्जी बाग हम पहुँच गए लेकिन यहाँ पर भी हमको कोई काम नहीं दिखा डबल डेकर का। सब्जी बाग भी पहुंच गए और आपको बता दें ये बिहार का सेकंड डबल डेकर है। एक और डबल डेकर पुल बिहार में ऑलरेडी बन चुका है, कहाँ पे है मेरे को याद नहीं आ रहा है लेकिन बिहार में एक ऑलरेडी बना हुआ है और ये बिहार का सेकंड डबल डेकर पुल रहेगा। दो तल्ला वाला पुल, ऊपर भी गाड़ी चलेगा और ये फर्स्ट फ्लोर पर भी गाड़ी चलेगा और सेकेंड फ्लोर पर भी गाड़ी जो है वो चलेगा। इसको कहते हैं डबल डेकर फ्लाईओवर। तो ये देखिए ये हम लोग आ गए पीर भोर थाना और सब्जी बाग है मेरे राइट साइड और मेरे लेफ्ट साइड पीर भोर थाना है। तो इधर भी डबल डेकर का आपको कोई भी काम नहीं दिखेगा, कोई भी काम नहीं है। और पटना मेट्रो का भी इसी में काम चल रहा है और डबल डेकर का भी जो काम है वो इसी में चल रहा है। तो पटना के अशोक राजपथ का जो रोड है ना वो थोड़ा संकरा हो गया है, थोड़ा पतला हो गया है। अभी आपको दिखाएंगे रोड का क्या हाल हो गया है और कितना जो पतला हो गया। देखिए यहाँ पे बीएमसी से थोड़ा सा पहले से यहाँ पे देखिए पटना मेट्रो का बोर्ड जो है वो मेरे साइड लगा हुआ है लेफ्ट साइड, लेकिन ये पटना मेट्रो का बोर्ड लगा हुआ है, ये डबल डेकर फ्लाईओवर का काम नहीं है। डबल डेकर फ्लाईओवर का काम आगे है वो आपको दिखाते हैं। तो इधर देखिए अंजुमन इस्लामिया हॉल जो कि नया वाला हॉल बना था वाइट कलर का वो वाला, वहाँ पर देखिए पूरा पटना मेट्रो का जो काम है वो लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है। इसके अंदर जो केबिन रहता है उसमें सारे इंजीनियर्स लेबर्स वर्कर्स जो है वो अपना रहते हैं, वो एसी केबिन रहता है। मेरे को नहीं पता था, वो किसी भाई ने मुझे कमेंट में बताया था कि वो केबिन जो है वो एसी वाला रहता है और उसमें जो है वो सारे वर्कर्स और बड़े बड़े अधिकारी इंजीनियर्स जो है वो रहते हैं। तो फिलहाल अभी बढ़ रहे हैं हम इस्लामिया हॉल से आगे और पीएमसीएच के पास पहुँचने वाले हैं। तो इधर देखिए दोनों साइड कोई काम नहीं चल रहा है, ना राइट साइड काम चल रहा है और ना ही लेफ्ट साइड काम चल रहा है, कोई काम नहीं चल रहा है किसी भी साइड में। तो जो भी काम चल रहा है अब आपको बता रहे पीएमसीएच के आगे चल रहा है वो आपको दिखाते हैं। और उधर काफ़ी डिस्टर्बिंग वाला काम चल रहा है, एक गैस पाइपलाइन का भी काम उसी में चला रहा है, पटना मेट्रो का भी काम उसी में चला रहा है, डबल डेकर का भी काम उसी में चला रहा है। तो काफ़ी कंजस्टेड वाला काम जो है वो चल रहा है अभी पटना मेट्रो सॉरी अशोक राजपथ में। तो लोग कैमरा देख के ना मतलब देखने लगते हैं, ऑटो में एक बंदा बैठा हुआ था वो मेरे को खुला खुला के देख रहा था भाई इसके हेलमेट में क्या लगा पड़ा है। तो यहाँ से बेसिकली रोड जो है वो आपको पतला हो जाएगा, सी एम से आगे बढ़िएगा ना पटना कॉलेज की तरफ, तो यहाँ से आपको रोड जो पतला पतला जो है वो दिखने लगेगा। एक तो ऑलरेडी अशोक राजपथ बिना जाम रहता है और ये सब जो तीन चार को बवंडर काम लग जाए ना इस कारण और जो है वो रोड पतला हो गया है। अभी आपको दिखाते हैं सारा सीन दिखाएंगे आपको। देखिए यहाँ पे कितना रोड पतला कर दिया उस साइड और इस साइड में देखिए कितना रोड पतला कर दिया,
बिहार राज्य पुल पूर्व निगम लिमिटेड अंदर में काम चल रहा है, पिलरिंग का काम चल रहा है, और इसी पिलरिंग के वजह से जो है ना वो अंदर का जो गैस पाइपलाइन जो ऑलरेडी कंप्लीटेड वाला बिछा हुआ था गैस पाइपलाइन वालों को भी जो है ना वो बोला गया कि आप अपना गैस का पाइपलाइन हटा लीजिए, हम अपना पिलर कर रहे हैं कहीं आपका गैस का पाइपलाइन फट ना जाए, इस कारण उसको भी दिक्कत हो गया, किया हुआ काम जो है वो सारा करना पड़े। देखिए यहाँ पे एक मेट्रो का पिलर जो है बन गया, और ये बेसिकली डबल डेकर का काम है, सॉरी मेट्रो का नहीं है डबल डेकर काम है, तो उसे सब एंगल्स रखा हुआ है, सब फ्रेम्स रखा हुआ है पिलर बनाने का गोल गोल। इधर देखिए बिहार राज्य पुल निगम लिमिटेड, ये डबल डेकर का है, ये मेट्रो का काम नहीं है, ये डबल डेकर फ्लाईओवर का काम है, इस कारण यहाँ पे लगा हुआ है बोर्ड बिहार राज्य पुल नगर निगम लिमिटेड, इसलिए यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है। पटना मेट्रो का रहता तो पटना मेट्रो का बोर्ड रहता है। ये देखिए ये एक्चुअली गैस पाइपलाइन का है, वो सारा जो पाइप देख रहे हैं और आगे मंदिर है, तो गैस पाइपलाइन का भी काम जो है इसमें चल रहा था और उसको हटाया गया ताकि पिलर जो है वो बन सके। और ये मेरा कॉलेज है पटना कॉलेज, अभी आपको NIT तक लेके चलेंगे या दिखाएंगे कि उधर क्या काम चल रहा है, अभी हम कॉलेज नहीं जाएंगे। देखिए इधर कितना रोड जो पतला कर दिया, ये आने वाला रोड था इसी में जाने वाला बना दिया, और इसको और उधर जो फुटपाथ था जो किताब होता दिखता था उसको आने वाला बना दिया। तो इधर देखिए क्या काम चल रहा है, बहुत सारा कॉलेज के स्टूडेंट को भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, रोजाना यहाँ 50 से 60 हज़ार आबादी जो है आवाजाही करती है, और इस तरह का रोड का हालत हो गया, देख रहे हैं पूरा कीचड़ पूरा, और अभी बारिश का दिन आ ही गया है और क्या हाल होने वाला है वो आप समझ ही सकते हैं। रोड इतना पतला और ऊपर से 3-3 बड़े मेगा प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, डबल डेकर मेट्रो और गेल इंडिया जो कि अपना गैस पाइपलाइन भी फायर फ्री है उसको भी हटाने का निर्देश दिया गया है, ये पूरा डबल डेकर का काम चल रहा है सारा। ये इधर मेट्रो का काम अभी नहीं चल रहा है, इधर मेट्रो अंडरग्राउंड रहेगा, आप लोगों को बता देते हैं, इधर मेट्रो जो है वो अंडरग्राउंड रहेगा, इधर फ्लाईओवर पर मेट्रो नहीं रहेगा क्योंकि जगह ही नहीं है, इस कारण इधर जो अंडरग्राउंड मेट्रो रहेगा। और ये हम लोग आगे साइंस कॉलेज के पास, इधर देखिए पूरा सरिया जो बना के वो रखा हुआ है और डबल डेकर का काम चल रहा है, पिलरिंग का काम जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है, मतलब गड्ढा किया जा रहा है जहाँ तहाँ पिलर वाला, दिखाते हैं आपको। देखिए बड़ा सा पिलरिंग मशीन जो है वो लगा हुआ है और गड्ढा करने में व्यस्त है, देखिए उस तरीके से गड्ढा किया जाता है, ओह कीचड़, और फिर गड्ढा करके सरिया डाल के एक पिलर का फॉर्मेशन होता है और पूरा सरिया बना बना के पूरा रखा हुआ है, देख रहे हो उस टाइम। और यहाँ तो कोई बड़े अधिकारी इंजीनियर शायद आए हुए हैं, सरदार जी, ये डबल डेकर का काम यही था। ये देखिए यहाँ से भी डाइवर्सन हो गया रोड, और ये एग्जैक्ट रोड का है, पहले यही रोड था, इतना चौड़ा रोड था, बट अब इतना चौड़ा रोड जो है वो नहीं रहा। तो यहाँ साइंस कॉलेज से हम लोग यू टर्न ले लेंगे और उसके बाद फिर से एक बार आपको झलक दिखाएंगे डबल डेकर फ्लाईओवर का। तो ये देखिए यहाँ पे इधर साइड का रोड काफ़ी पतला है क्योंकि फुटपाथ जितना बचा हुआ था ना उस फुटपाथ पे ही मतलब लोगों को चलने के लिए दे दिया गया है कि आप लोग फुटपाथ पे चलिए, और जो लोग बुक स्टॉल बेचते थे ना बुक्स वो अपना दुकान के अंदर है, वो फुटपाथ का बुक से लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए पिलरिंग मशीन बड़ा सा, और वो सब जो रैन बसेरा था उसको सब तोड़ दिया गया, और रोड काफ़ी जो है वो ख़राब हो चुका है क्योंकि पटना से पटना सिटी को जोड़ने वाली एकमात्र रोड यही है, और इसलिए ये रोड जो है वो काफ़ी बिजी रहती है। रॉन्ग साइड में हम भी चल लेते हैं, देखिए मेरे राइट साइड जो है सरिया बना के रखा हुआ है डबल डेकर फ्लाईओवर का, दो तल्ला फ्लाईओवर रहेगा। अशोक राजपथ का ये हाल हो गया है, भाई ने कमेंट किया था अशोक राजपथ का डबल डेकर का अपडेट दीजिए, तो देखिए भाई डबल डेकर के चलते अशोक राजपथ का क्या हाल हो गया है, सबसे बिजी रोड ऑल ओवर पटना का सबसे बिजी रोड अशोक राजपथ, जिसको पटना के लैंग्वेज में ऊपर की रोड कहते हैं, उसका ये हाल है। अरे पटना विश्वविद्यालय का शताब्दी द्वार, और काफ़ी जर्जर स्थिति हो गई है अभी अशोक राजपथ की, जहाँ तहाँ कीचड़, जहाँ तहाँ पानी, जहाँ तहाँ गड्ढे, रोज़ ई रिक्शा पलट रहा है, रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है। तो फिलहाल अपडेट को यही तक रखते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। और ये मेरा कॉलेज आ गया पटना कॉलेज।